नमस्ते दोस्तों, आज हम हलवा बनाने जा रहे हैं, सूजी का हलवा। इसके लिए हमने आधा किलो सूजी ली है यहाँ पर, और गुड़ लिया है हमने 300 ग्राम। इस गुड़ को हम 2 से 3 गिलास पानी में डालकर उबाल लेंगे, इसकी चाशनी बना लेंगे गुड़ की। तो सूजी बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, तो सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए ये देख लीजिए। खजूर ली हमने थोड़ी, मखाने थोड़े, किशमिश और काजू बादाम यहाँ हमने काट के रखे हुए, इलायची ली है जिसको हमने कूट लिया है, छिलके निकाल दिए इसके, एक हमने एक कढ़ाई ली हुई है, कढ़ाई में हम डालेंगे घी। घी आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम काजू बादाम किशमिश मखाने और खजूर इन सबको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। अब हम इस घी में डाल देंगे सूजी, भून लेंगे अच्छे से। यहाँ हमारा गुड़ जो है अच्छे से हो चुका है गरम, गुड़ भी पिघल चुका है पूरा। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा हो चुका है, इसमें अब हम ये जो तल के रखे थे हमने ड्राई फ्रूट्स ये डाल देंगे, और इलायची पाउडर ये भी डाल देंगे हम साथ में। इसको भी साथ ही साथ फ्राई कर लेंगे करीब 2 मिनट। तो सूजी हमारी जो अच्छे से भून चुकी है, अब हम इसमें गुड़ का पानी डाल देंगे। गैस को फास्ट कर लेंगे हम। तो हमारा हलवा बन के रेडी है, अब गैस को कर देते हैं हम बंद।